हेलो, आवाज आ हाँ रहा है? सर, हाँ ओके सर, ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, तो बेसिकली आज मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा। आपको पता ही आज कंपनी लॉ क्लास है, लेकिन कंपनी लॉ में मैं आपको क्या बताऊंगा सर, आज मैं आपको एक न्यू सेक्शंस के बारे में चर्चा करूंगा सर। लास्ट वीक या उससे पहले भी मैंने आपको शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स पे बहुत सारा डिस्कशंस किया, बाईबैक पे चर्चा किया, क्वेश्चन आंसर किया, एग्जांपल्स किया, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा दूसरे सेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको रजिस्टर के बारे में, चार्ज, सॉरी रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस सर, चार्ज के बारे में सुने होगा अभी आप लोग, तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। चलो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बताऊंगा कॉर्पोरेट लॉ में, ठीक है। तो कंपनी का ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा। ये स्क्रीन शेयर है सर, तो सर वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बट इतना भी यूनिक नहीं है, इतना समझ सकते हो सर। कभी आप लोग बैंक लोन में मॉर्गेज के बारे में सुने हो? सर है ना, तो ये चार्ज जो है ना, ये बेसिकली इट्स लाइक मॉर्गेज, बट ये कैसा मॉर्गेज है सर? जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कई बार मॉर्गेज मांगते हैं, है ना। या तो आप अपनी प्रॉपर्टी का पेपर मॉर्गेज रखो, या फिर आप आपका कुछ भी, ठीक है, जो वैल्यूएबल कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल कोई भी चीज़ आप बैंक के पास अगर मॉर्गेज रखते हो तो बैंक बदले में आपको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे गोल्ड लोन वगैरह में आपके पास कुछ गोल्ड है तो गोल्ड मॉर्गेज में रखोगे तो बदले में गोल्ड लोन वाले क्या करता है? हाँ सर, बदले में गोल्ड लोन वाले आपको लोन देता है या नहीं देता? सर एग्जैक्टली, जैसे एग्जांपल के तौर पे मन्नपुरम। हाँ सर, मन्नपुरम गोल्ड लोन, साउथ का बड़ा ही फेमस कंपनी है, ठीक है, केरला बेस्ड कंपनी है सर। उधर बैंकिंग बिजनेस बहुत ही डेवलप है सर साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस साउथ से निकल के आए हैं, साउथ का इकोनॉमी बहुत डेवलप है सर। इतना जान लो, जहाँ पैसा है वहाँ बिजनेस है, जहाँ बिजनेस है वहाँ पैसा है, ठीक है। तो बिजनेस के बिना पैसा नहीं, पैसा के बिना बिजनेस नहीं, और जहाँ जहाँ पैसा वहाँ वहाँ बैंक और नया नया बैंकिंग मॉडल। ये गोल्ड के बदले लोन बाकी बैंक ने तो किया ही है, लेकिन ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट से चल रहा है सर, आज नहीं, 1949 से बैंकिंग बिजनेस में है मन्नापुरम। सर मैं आपको बैंक के बारे में क्यों बोल रहा हूँ सर? नहीं, बैंक के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, इट्स नॉट अ बिग थिंग। मैं बेसिकली आपको चार्ज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम बैंक में जब लोन की ज़रूरत पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे गोल्ड लोन कंपनीज के केस में ये लोग क्या बताते हैं कि भाई आपके पास कोई वैल्यूएबल्स हैं लाइक गोल्ड वगैरह हैं तो आप आइए, आपका गोल्ड जमा कीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बुजुर्ग औरत, ठीक है, डोर स्टेप लोन इनको दिया जा रहा है। तो बदले में ये क्या करेंगे, अपना गोल्ड को डिपॉजिट रखेंगे, मॉर्गेज रखेंगे, और बैंक इसको देगा। समझ में आ रहा है ना सर? तो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं आज कंपनी लॉ में भी बात करूंगा। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा आपको कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ठीक है, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सर, देरी किस बात की, पॉइंट ऑफ व्यू जब क्लियर है वो ही गया तो आगे का चर्चा भी सिंपल हो जाएगा, है ना। ये सब जो सेक्शंस है, सेक्शन कैसे बनता है? सेक्शन तो बस याद रखने का एक तरीका है ना। जब आप फ्यूचर में जाके काम करोगे ना, आप लोग कभी लॉ वगैरह में देखते हो ना, जैसे कोर्ट वगैरह में जब भी किसी केस के मैटर में डिस्कशंस होता है तो जज या लॉयर्स क्या करते हैं, सेक्शंस, आर्टिकल्स, इसी को उठा के बात करते हैं ना सर। अरे देखा कि नहीं देखा, कोर्ट केसेस में सेक्शंस, आर्टिकल्स, किस आर्टिकल में बोला है, संविधान का बात जब आता है, कौन से किसी लॉ में बारे में बात होता है तो किस लॉ में, किस सेक्शंस में, किस सब सेक्शंस में बोला है। तो ये सेक्शन सब सेक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है याद रखने का, काम करने का। तो आपको थोड़ा याद जरूर रखना होगा, थोड़ा क्यों, अच्छा से याद रखना होगा, बिकॉज एग्जाम में सवाल होता है और सेक्शन मेंशन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज लॉ है। आप जब किसी मैटर पे लॉ को लिखोगे तो आपको लॉ का सेक्शन याद होना चाहिए, है ना, कि क्यों लिख रहे हो,
किस बिहाफ में लिख रहे हो, किस मैटर में लिख रहे हो और वो कहाँ बोला हुआ है। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आज का डिस्कशन है सर चार्ज। सर कॉरपोरेट लॉ में ये चार्ज क्या काम करेगा, तो चलो मैं आपको वही बताने के लिए तो हाजिर हुआ ना सर। द मीनिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 के अंदर बोला गया है। सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, फिर मैं आपको ड्यूटी टू रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, चार्ज को रजिस्टर करने का क्या ड्यूटी है, सेक्शन 77 ऑफ कॉर्पोरेट लॉ बताते हैं। एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 78 में बोला हुआ है। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज सेक्शन 80 में बोला हुआ है। एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सेक्शन 82 एंड 83 में बोला हुआ है। एंड पनिशमेंट एंड रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्ज सेक्शन 86 एंड 87 में बोला हुआ है। तो लंबा डिस्कशन है ना, लंबा डिस्कशन है सेक्शन 17 से 87 का। हाँ, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या कवर करता है सर, चार्ज कवर करता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको फटाफट मीनिंग वगैरह बता देता हूँ। द लॉ विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हैज बीन डील्ड इन चैप्टर 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली ये कंपनीज एक्ट के चैप्टर 6 के अंदर बोला गया है, जिसमें सेक्शन 77 से लेके 87 तक डिस्कशंस किया गया। ठीक है, एज वेल एज कंपनी रूल्स 2014 के अंदर भी बोला गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रूल क्या है, यू ऑल नो सर, जो कुछ भी अमेंडमेंट बाद में आते हैं वो रूल के माफिक आता है और उसको रूल भी बोला जाता है। ठीक है, जब बड़ा चेंज हो जाएगा, बार बहुत सारा रूल आ जाता है, तब फिर से एक न्यू एक्ट बनाना पड़ता है। जैसे यू ऑल नो 1956, इससे पहले कंपनीज एक्ट हुआ करता था। उसके बाद 1956 में बहुत सारा अमेंडमेंट आ गया था, इतना अमेंडमेंट लेके मुश्किल हो रहा था, इतना अमेंडमेंट लाए, सिचुएशंस बदल गया था, बिजनेस सिनेरियो बदल गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक न्यू एक्ट लाते हैं और कंपनीज एक्ट 2013 1956 को बेसिकली सब्स्टिट्यूट करके आ गया। तो सबसे पहले आपको मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लियन created on the property or assets of a company or any of its undertaking or both as security and includes a mortgage. Sir, आपने देखा mortgage word यहाँ पर भी use किया गया है। तो क्या करते हैं सर, क्या करते हैं सर, कुछ नहीं करते हैं, कमाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं, कंपनी को आपको क्या करना है, लोन देना है। ठीक है, चाहे आप कोई बैंक हो, कोई इंडिविजुअल हो, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देता हो, तो जब आप कंपनी को लोन दोगे तो बदले में कंपनी आपको चार्ज क्रिएट करके देगा। सिक्योर्ड लोन, बेसिकली सिक्योर्ड लोन कौन ले रहा है सर, कंपनी ले रहा है। किससे ले रहा है, बैंक से, इंडिविजुअल से या किसी कंपनी से। कंपनी को पैसा का जरूरत है, वो लोन ले रहा है और लोन के बदले वो सिक्योर्ड लोन, मतलब जो लोन दे रहा है वो सिक्योर्ड लोन देना चाहता है। सिक्योर्ड मतलब बदले में कोई एसेट्स गिरवी रखो, सिंपल बात है। तो कंपनी क्या करेगा, जो बोरोअर कंपनी है, ठीक है, दो तरह का बात हो गया इधर। एक हो जाता है सर बोरोअर, बोरोअर मतलब बोरोइंग कंपनी, ठीक है, या बोरोअर कंपनी, ये एक बोरोअर कंपनी है। ठीक है सर, दिस इज अ बोरोअर कंपनी। और इधर हो गया आपका एक लेंडर कंपनी या फिर कोई लेंडिंग इंडिविजुअल्स या बैंक, जो भी हो, ठीक है, या फिर कोई बैंक। बात समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्नेश, संपद, नील, बोलो सर, इनकी समझ में आ रहा है ना कि एक तरफ हो गया बोरोअर, दूसरे तरफ हो गया लेंडर, मतलब जो लोन देगा सर। अब जो जब इंडिविजुअल देता है तो उसको डिवेंचर बोलते हैं। तो सपोज कोई बैंक कंपनी को लोन दे रहा है, या फिर कोई कंपनी किसी और कंपनी को लोन दे रहा है, या फिर कोई इंडिविजुअल्स वो भी कंपनी को लोन दे रहा है कि भाई कंपनी रखो पैसा, ठीक है, बदले में हमें इंटरेस्ट दे दो। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपका कंपनी बंद हो गया, ये कंपनी बंद हो गया, लिक्विडेट हो गया या वाइंड अप हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में जो लेंडर है इसका बेचारा का क्या हालत होगा। अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज करना पड़ता है, कंपनी क्लोज करना पड़ता है, तो इनका बेचारा का पैसा का क्या होगा,
मानो इसने कंपनी को 10 लाख दे के रखा, इसने कंपनी को 1 करोड़ दे के रखा, हाँ इसने कंपनी को 5 लाख दे के रखा, समझ में आ रहा है ना सर बात? तो क्वेश्चन यही उठता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो बेचारा लेंडर का क्या होगा, बेचारा लेंडर का क्या होगा? तो इसलिए वो बोलते हैं, लेंडर बोलते हैं कि भाई हमें सिक्योर्ड लोन दो। तो कैसे सिक्योर्ड लोन देगा? तो कंपनी क्या करेगा, ये कंपनी जो बॉरोअर कंपनी है, ये अपना कोई एसेट्स, अपना कोई बिल्डिंग, अपना कोई वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर छोटा मोटा लोन है तो एयर कंडीशंस, जो भी वैल्यूएबल है, जिसका रीसेल वैल्यू है, ऐसा कोई भी वैल्यूएबल चीज़ों को कंपनी सिक्योरिटी के नाम पे, जो लेंडर है उनके नाम पे चार्ज क्रिएट करके देगा। क्या क्रिएट करके देगा? चार्ज क्रिएट करके देगा, ठीक है? तो इस चार्ज को आप मॉर्गेज सोचो, लियन सोचो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, जो भी, ठीक है सर? तो बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसेट ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, ठीक है? तो ये बेसिकली चार्ज का मतलब होता है। चार्ज इन इंटरेस्ट और लियन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इट इज क्रिएटेड ऑन दी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ। इट इज क्रिएटेड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ ए लोन। ये एक सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं जो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, ठीक है? मतलब कंपनी लेंडर को अपना पैसा रीपे करेगा, अगर नहीं करता है तो कंपनी का एसेट्स जब्त हो जाएगा, कंपनी का एसेट्स जब्त हो जाएगा। कौन लेगा? लेंडर लेगा। अब लेंडर में कौन हो सकते हैं सर? लेंडर में बैंक हो सकता है, लेंडर में कोई दूसरा कंपनी हो सकता है, लेंडर में कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये चार्ज क्रिएट करेगा, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज, याद रखिएगा, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज, ठीक है? अब चलो मैं आगे बताता हूँ। व्हेन एवर ए कंपनी बोरोज मनी बाई वे ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल लोन्स, चाहे वो टर्म लोन हो, ठीक है, जो लंबा समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है नॉर्मली, या फिर वर्किंग कैपिटल लोन जो बिजनेस के लिए कंपनी उठाते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज और एनी अदर पर्सन्स बाय ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स। कौन ऑफर कर रहा है? कंपनी, बोरोइंग कंपनी ऑफर कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, बोरोइंग कंपनी ऑफर कर रहा है, ठीक है? बोरोइंग कंपनी ऑफरिंग इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स एज सिक्योरिटी एज ए चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच प्रॉपर्टी और एसेट्स इन फेवर ऑफ द लेंडर। किसके फेवर में? लेंडर के फेवर में। लेंडर मतलब लाइक बैंक, लाइक एनबीएफसी। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो, अभी तो समझ में आ यस रहा सर, होगा। हाँ सर, सच ए चार्ज इज कंपल्सरीली रजिस्टरेबल। अब ये जो चार्ज है ना, ये रजिस्टर करना पड़ता है किसको? बोरोइंग कंपनी को। सच ए चार्ज इज कंपल्सरीली रजिस्टरेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि आप अगर किसी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करके रखे हो तो ये आप रजिस्टर के पास जमा करो, बताओ कि भाई मेरा ये एसेट्स मॉर्गेज है, मेरा ये एसेट्स चार्ज क्रिएट कर किया हुआ है, ठीक है? इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 6 ऑफ द रूल्स एंड मेड इन दिस रिगार्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर ये एक कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस की तरह काम करते हैं कॉर्पोरेट लॉ में, सेक्शन 80 के तहत। अब चलो मैं कैसे कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस काम करता है आपको समझाता हूँ। सर ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जिस भी एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट है ना कंपनी का, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। रजिस्टर के पास जमा है मतलब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कोई भी वेरीफाई कर सकता है। दिस मीन्स दैट एनी पर्सन वो विशेस टू लेंड मनी टू द कंपनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच प्रॉपर्टी और बाय इट कैन रेफर टू द एमसीए पोर्टल एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन दैट एसेट्स। मतलब समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको एमसीए पोर्टल में लेके चलता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली देख लो। कंपनी का नाम वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है, या कंपनी का सीआईएन नंबर वगैरह डालना पड़ता है सर, ठीक है?
एमसीए पोर्टल में आके अगर आप देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, नॉर्मली अगर आप कंपनी का डिटेल्स देखोगे तो कंपनी का सीआईएन नंबर जो भी होता है ना सर, वो डालने के बाद अगर कंपनी के अगेंस्ट में किसी भी तरह का चार्ज क्रिएट है ना, आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, आपको जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट में जाना है, कंपनी के सर्विस में जाना है, ठीक है, आप कंपनी सर्विसेज में चेक करो कंपनी का नाम, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, कंप्लाइंस फाइलिंग, अप्रूवल सर्विस, इंफॉर्मेशनल सर्विस, चार्ज मैनेजमेंट, दिखाई दे रहा है सर, चार्ज मैनेजमेंट, क्या आप लोगों को दिखाई दिया था सर, चार्ज मैनेजमेंट दिखाई दिया था? हाँ सर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में चार्ज मैनेजमेंट में जैसे जाते हो, ये देखो सर, यहाँ पर आपको इंटीमेशन ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय द कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ डीन, डिस्क्रिप्शंस, फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑडिटर मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ऑडिट करते हैं, यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज अप्रूवल सर्विस, एप्लीकेशन बाय कंपनी टू आरओसी फॉर रिमूव इट्स नेम फ्रॉम रजिस्टर, जो भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करते हैं, ये देखो चार्ज मैनेजमेंट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अदर देन दोज रिलेटेड टू डिवेंचर्स, डिवेंचर छोड़ के बाकी सभी चार्जेस यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, फ्रॉम वर्जन अपडेटेड 31st October 2019, पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज देयर ऑफ, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेशन ऑफ रिसीवर और मैनेजर, ठीक है, डिटेल्स ऑफ पर्सन डायरेक्टर चार्ज स्पेसिफाइड, एक ओपन करके देखते हैं कुछ ओपन होता है कि नहीं, सब देखना पड़ता है सर, आप लोग भी खुद से जाके चेक कर सकते हो सर, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्म नंबर GNL3, ठीक है, ये सब फॉर्म चाहिए होता है और आप यहाँ पर जाके फिलअप करके डिटेल्स भर सकते हो, ठीक है, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी का नाम वगैरह डालो, ठीक है, GNL नंबर डालो, मैं बोला ना आपको CIN नंबर वगैरह डालो तो फिर कंपनी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, ऐसे तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, सारा का सारा डिटेल्स को रखता है, उसको रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जमा होता है जो MCA देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है, और आप इस तरह से अपने चार्ज को क्या कर सकते हो, करना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी किसी से भी लोन लेता है, अगर किसी लोन के अगेंस्ट पे चार्ज क्रिएट किया हुआ है किसका, कंपनी का, तो कंपनी को वो सारा का सारा डिटेल्स सबमिट करना पड़ता है, और ये सब डिटेल्स पब्लिकली कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, किसी भी कंपनी को लोन देने से पहले उसके रिगार्डिंग कौन सा एसेट्स में क्या चार्ज क्रिएटेड किया हुआ है, सारा का सारा डिटेल्स वो फाइंड आउट कर सकता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको क्लियरली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से क्या क्या सर्विस मिलता है, जस्ट विजिट mca.government.in, विजिट MCA सर्विस लिंक, ठीक है, ऐसे बहुत सारा चीज़ें हैं, एक्ट रूल्स सारा का सारा चीज़ पढ़ सकते हो, कंपनीज एक्ट रूल्स सभी कुछ पढ़ सकते हो यहाँ से आप, ठीक है, एप्लीकेशन क्या डालोगे वो भी पढ़ सकते हो, MCA सर्विस में जाओ आपको पता चल जाएगा क्या क्या काम MCA के थ्रू से होता है, DSC सर्विस, डीन सर्विस, मास्टर डेटा, LLP, ई फाइलिंग, ठीक है, एवरीथिंग कंपनी सर्विसेज के अंदर, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस के अंदर, फी एंड पेमेंट सर्विसेज के अंदर, ठीक है, क्या नहीं है सर, जितना देखोगे और ज़्यादा है, बहुत सारा चीज़ें हैं, आपको बस यहाँ पर जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कंपनी लेवल में, फी एंड पेमेंट सर्विसेज, बहुत सारा काम MCA के थ्रू से होता है, सारा का सारा, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसीलिए तो बनाया गया है, ठीक है, अभी मैं मुद्दे पे रहता हूँ, ज्यादा डिटेल्स में चलूंगा तो हर एक मैटर आ जाएगा सामने, तो सर रजिस्ट्रेशन, हाँ बोलो सर, सर एसेट के मतलब ये चार्ज क्रिएट होता है एसेट का, तो फिर वो बैलेंस शीट में दिखाता है कि नहीं? हाँ ऑब्वियसली कंपनी को मेंशन करना पड़ता है कि बैलेंस शीट में, मतलब वो सब नोट्स में रहता है, कंपनी के डिटेल्स में रहता है कि अगर उसका कुछ लोन है तो लोन के अगेंस्ट में अगर किसी एसेट्स पे चार्ज है ना, तो वो सब कंप्यूटेशंस के अंदर एनेक्सेस वगैरह में डालना पड़ता है, रिपोर्ट में डालना पड़ता है, बैलेंस शीट में तुम ऐसे चार्ज बोल के नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में आपका लोन होगा, अब किसी लोन के अगेंस्ट में अगर आपका चार्ज क्रिएटेड है उसका डिटेल्स आपको वहां पर दिखाना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट वगैरह के अंदर,
जो भी एसेट्स है वो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है उसका डिटेल्स उसको मेंशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। वो अपने नोट्स में दिखा देगा कि भाई ये सब मैंने इतना लोन लेके रखा और इस पे मेरा चार्ज वगैरह है, या फिर एमसीए के पास उसका चार्जेस डिटेल्स रहेगा, ठीक है, जो पब्लिक को पता चलना चाहिए ना किस कंपनी के। ये तब जरूरत होता है सर, कब जरूरत होता है कि किसी भी एसेट्स के ऊपर चार्ज है या नहीं है, कि कब जरूरत होता है, जब कोई सेकेंड टाइम कोई दूसरा कंपनी वहां पर जाता है इसको लोन लेने के लिए, ठीक है, तो तब ये जरूरी बातें हैं, ठीक है। तो तब वो देने से पहले उसको वेरीफाई करेगा कि भाई इस कंपनी में ये सब एसेट्स ऑलरेडी चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो फिर मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा वो भी देखेगा। चलो मैं आगे आगे कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है, क्लैरिटी हो जाएगा आपको कि क्या क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सकता है चार्ज रिगार्डिंग, ठीक है। अब कंपनी लॉ बोला है तो फिर अकाउंट्स को भी उसी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जो भी होता है ना अकाउंट्स में, जो भी होता है सब कुछ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो होता ही है, लेकिन जहाँ जहाँ कंपनी लॉ भी आएगा उसके साथ भी उसको इक्विप्ड होना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखो आगे आके कुछ एग्जांपल्स भी मैं कराऊंगा आपको, तो आपको क्लियर होगा। ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपको मैं बोला कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, दिस मीन्स दैट एनी पर्सन हु विशेस टू लेंड मनी, अगर आपको कंपनी को लोन देने का मन किया या कंपनी ने बोला भाई लोन चाहिए और पब्लिक से भी लोन ले सकता है या बैंक से लोन ले सकता है, तो बैंक उसका वेरिफिकेशन कर सकता है ट्रैकिंग रिकॉर्ड से एमसीए के पोर्टल से, ठीक है। अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच प्रॉपर्टी और बाय इट और buy, it can refer to MCA portal and find out if there is any charge created on that assets. तो किस assets पे क्या charge है कंपनी का, वो कंपनी के number के through से वो कर सकता है। Please remember that any document filed with register for registration act as constructive notice. Constructive notice का मतलब क्या है? Constructive means dimmed. Constructive means dimmed. Notice means knowledge. So constructive notice means dimmed knowledge. Constructive का मतलब होता है deemed and notice का मतलब होता है knowledge, ठीक है। Notice में आने का मतलब क्या है कि आपको notice दिया था, मतलब आपको knowledge दिया था। So constructive notice का क्या मतलब हो गया? Deemed knowledge. This means even though the third party has not referred to the public document, he would still be considered or deemed to have seen it. Point to be noted, sir. आपने company को loan दे दिया, लेकिन एक ही assets पे मानो पहले से charge create किया हुआ था, कंपनी फिर से आपको किसी कारण से सेम एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया, तो आप तो फंस गए, क्योंकि जिसका फर्स्ट चार्ज क्रिएट है उसी का हक पहले आएगा। तो आपने बोला मेरे को पता नहीं था, कंपनी ने मेरे को धोखा दिया। सर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कंपनी ने अगर पहले भी लोन लिया है तो कंपनी का किसी एसेट्स पे अभी चार्ज क्रिएट है कि नहीं है, आप एमसीए पोर्टल में फॉर्म फिलअप करके देख लो कि भाई ये कंपनी लोन मांग रहा है, ये कंपनी मेरे से पैसा लेना चाहता है, क्या इसका किसी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट है या नहीं, ठीक है। अगर किसी एसेट्स पे चार्ज है, सेम एसेट्स आपके नाम पे भी चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। तो ये डीम्ड नॉलेज क्यों है और इसको कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस क्यों कहते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड सर। कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब हो गया? कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब है डीम्ड। डीम्ड मतलब लो मान लिया हमने कि आपको पता है, मतलब समझ में आया सर? कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस दैट मीन्स डीम्ड नॉलेज, क्या पढ़ो या ना पढ़ो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सर एक बात है सर, लॉ में बहुत ही फेमस बात है जो मैं नॉर्मली जूरिस स्टूडेंट्स में बहुत बार बताता रहता हूँ, सीएस स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको बात समझ में आ रहा है सर? ये लॉ कहता है कि आपको लॉ नहीं पता, ये आपका गलती है, आप पता करके क्यों नहीं आए। इसीलिए तो लॉयर का बोलवाला होता है, जब साधारण लोग कॉमन पीपल को प्रॉब्लम होता है वो लॉयर के पास भागा भागा पहुंचता है ना, क्योंकि उससे कुछ गलती हुआ है कि नहीं हुआ है उसको उसका पता नहीं है। लेकिन सर इस मैटर पे रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि आम आदमी को लॉ का पता चले कि किस मैटर पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैटर आम आदमी के अंदर होना चाहिए। अब सर कोई बोलेगा, सर अगर आम आदमी को लॉ पता चल गया तो फिर लॉयर का मार्केट खराब हो जाएगा, ये गलत सोच है, ठीक है। ये गलत सोच इसलिए है क्योंकि सर आपको एक चीज बताता हूं मैं, कि जितना लॉ का जानकार लोग बनेगा उतना हर मैटर सिंपल होगा,
सिंपल तो होगा, लेकिन लॉयर के बारे में मतलब हाँ हो सकता है कि किसी का मोनोपोली खराब हो सकता है, कि मानो कोई लॉयर है बहुत ज़्यादा मोनोपोली करता है और बहुत ज़्यादा चार्जेस करता है, वो मोनोपोली ज़रूर ख़त्म होगा और मार्केट में नंबर ऑफ लॉयर बढ़ेगा, एक एक डिमांड सप्लाई बराबर आएगा, ठीक है। मतलब जिस तरह से कभी कभी देखा जाता है सर, लॉयर हो या चार्टर्ड हो या जो भी, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या करते हैं कि क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो उनसे एक तरह का मैनिपुलेशन कर लेते हैं, या फिर पता नहीं है भाई कहाँ जाएंगे, इनको छोड़ के और कोई है नहीं, किसी को पता नहीं है, तो कुछ भी अनप शनप चार्जेस भी हो जाता है, समझ में नहीं आता, लटकाता रहता है, फिर भी जाना पड़ता है। तो ये चीज़ रिसेंट कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लॉ के बारे में लोगों को जानकारी देना है और आम भाषा में मतलब लोकल लैंग्वेज में लॉ को लिखने के लिए बोला गया है। अब देखो क्या होता है, सरकार कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ये स्टेट का काम है कि स्टेट अपने स्टेट के अंदर लोगों को लॉ का जानकार बनाए, ठीक है। अब देखो ना, किसी को थोड़ी ना पता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर में जानकारी लेना आपका अधिकार है, ठीक है। आप ये अधिकार के बारे में लोगों को नहीं पता, लोगों को अपना अधिकार लेना ही नहीं पता, बिकॉज लोग आधा से ज़्यादा, आधा क्या 90% लोग तो हमारे देश में पढ़ा लिखा होके भी मूर्ख है, ग्रेजुएशन का लाइन लग जाएगा आज के डेट में, लेकिन फिर भी पता ही नहीं कि ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया वो सब्जेक्ट में क्या था, आप ही बताओ जेन्युइनली, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। कॉलेज पास कर गया बट दे डोंट हैव अ बेसिक नॉलेज कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसका भी नॉलेज लैग है, और क्या बताऊँ सर, मतलब बाकी अधिकार का बात तो बहुत दूर में है। सो बात यही है कि आपको लॉ पता है ये डीम्ड है, तो आप किसी को लोन देने, कंपनी को लोन देने से पहले आपने कागजात नहीं देखा, ये लॉ कभी कोई एक्सक्यूज नहीं मानेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस है। कहाँ पता चलेगा, मैंने आपको बताया MCA पोर्टल में चार्ज मैनेजमेंट के अंदर फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा, कंपनी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब आगे आगे और बताते हैं सर, दिस इज बिकॉज अ डीमिंग प्रोविजन क्रिएटेड लीगल फिक्शन, दिस प्रिंसिपल इज कंटेन्ड इन सेक्शन 80 व्हिच स्टेट्स दैट वेयर एनी चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77, ठीक है, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी एसेट्स अंडरटेकिंग और पार्ट देयर ऑफ और एनी शेयर और इंटरेस्ट देयर इन शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, मतलब ये मान लिया जाएगा कि डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन से जिसको भी चाहिए होगा उसको डीम्ड पता है, ठीक है, जिसको भी जरूरत होगा। दस एवरी पर्सन प्रपोजिंग टू डील विद अ कंपनी, जो भी कंपनी के साथ डील करना चाहता है, शुड बी वेरीफाई वेदर द एसेट हैज एनी चार्ज by going through the record of charges maintained at the office of register of companies before entering into the transactions, ठीक है। जो भी charges हैं आप जाके ROC के site में जाके MCA के site में जाके निकालो, record of charges देखो, अगर कुछ मिलता है जो भी charges हैं उसको देख के फिर जाके आप company के साथ deal करो, law आपको clear cut बताते हैं। अब अगर आप law का जानकार नहीं हो ये कोई excuse नहीं है, ठीक है सर। In case he enters into the transactions without making any inquiry, अगर आप किसी भी तरह का inquiry करके बिना किसी company के साथ deal करना चालू कर देते हो, and later on suffers loss because of charge, he cannot claim the loss from the company. वो company से कोई claim नहीं कर सकता, for it shall be deemed that the notice of charge, he had notice of charge, मतलब ये मान लिया जाएगा कि उनको notice दिया गया था, because ये deemed constructive notice है, deemed knowledge है ये, ये लॉ बता के रखा है 2013 एक्ट में। यू विल एप्रिशिएट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस आल्सो एक्ट एज ए मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग अ कंपनी फ्रॉम ऑफरिंग द सेम एसेट एज अ सिक्योरिटी टू बोरो फंड्स फ्रॉडुलेंटली फ्रॉम द डिफरेंट लेंडर, बात समझ में आ रहा है, एक ही एसेट्स बार बार दूसरे तीसरे लोगों को आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। सेम एसेट्स पे किसी से आप 10 लाख लिए, उसी एसेट्स की बेसिस पे आप किसी से 20 लाख लिए, उसी एसेट्स के बेसिस पे आप किसी से 1 करोड़ ले लिए, आपको बात समझ में आ रहा है सर, ठीक है। ऐसे एक कंपनी के अंदर कितना सारा एसेट्स हो सकता है, एक जस्ट इमेज के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्या दिखा है ये देखो, चलो बहुत सारा चीज होता है, कंपनी के पास बिल्डिंग हो सकता है, मशीन्स हो सकते हैं, कंपनी के पास क्रेन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, फर्नीचर्स हो सकता है, कार हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, और भी कितना सारा चीज़ें हो सकता है, अनगिनत चीज़ें कंपनी के पास
रीवैल्यू मतलब रीसेल वैल्यू के साथ कंपनी के पास एसेट्स हो सकता है। अब कंपनी आपके नाम पे कोई एसेट्स मॉर्गेज किया है, ठीक है, मतलब बेसिकली आपने जब कंपनी पे लोन दिया था तो कंपनी आपके नाम पे सेम वैल्यूएशन के बेसिस पे, ठीक है, कुछ मार्जिन भी माना जाता है सर, सेफ्टी मार्जिन, ठीक है, नॉर्मली 20-25% घटा के लिखा रखा जाता है, जैसे बैंक भी करता है सर। अगर आपको कभी लोन का जरूरत पड़ता है, बैंक आपको पूरा लोन कभी नहीं देता, ठीक है, सपोज आपको एक एसेट्स के ऊपर लोन चाहिए तो आपको मानो 50 लाख का लोन चाहिए तो बैंक बोलेगा नहीं 50 लाख नहीं देंगे, 80% देंगे, तो 50 लाख का 80% या 90%, 10-20% सेफ्टी मार्जिन बैंक भी रखता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पर भी ये सब प्रोसेस देखा जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, जो एसेट्स है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने ये एसेट्स ए के नाम पे चार्ज किया था, फिर सेम एसेट्स पे लोन कंप्लीट नहीं हुआ, चार्ज इसका फ्री नहीं हुआ, बी को भी सेम एसेट्स पे लोन दे दिया, मतलब लोन ले लिया, बी से भी सेम एसेट्स चार्ज करके लोन ले लिया, सेम एसेट्स पे सी से भी चार्ज करके लोन ले लिया। अब ये सी का गलती है कि बाद में जब किसी कारण से कोई डिफॉल्ट होगा तो सबसे पहला हक तो ए का ही है सर। अब सी बोलेगा नहीं ये तो मेरा भी है, बी बोलेगा ये तो मेरा भी है, ये बी का सी का गलती है, ये गलती बी का है, ये गलती सी का है कि उन्होंने पब्लिक नोटिस समझा क्यों नहीं, उन्होंने इसका रिसर्च या सर्वे क्यों नहीं किया, आरओसी में इसके बारे में डिटेल्स क्यों नहीं देखा, है ना सर, यही बात है। तो यू विल, तो इसीलिए बोला कि यू विल अप्रिशिएट दैट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑल्सो एक्ट एज ए मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कंपनी फ्रॉम ऑफरिंग द सेम एसेट्स। इसीलिए तो कंपल्सरी है, अगर कंपनी चार्ज का डिटेल्स कंपनी अगर आरओसी में सबमिट नहीं करता है तो ये भी कंपनी के लिए ऑफेंस है, उसके लिए कंपनी को भी सजा भुगतना पड़ता है। आगे आगे मैं आपको ऑफेंस के बारे में बताऊंगा। विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ऑब्टेंड टर्म लोन, विष्णु मार्केटिंग लोन लिया है फॉर ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड, ठीक है, बीटा बेसिकली रिस्क फैक्टर को डिनोट करता है, बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड, बाई क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग्स। कंपनी अपने ऑफिस बिल्डिंग्स को चार्ज करके, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो मॉर्गेज करके, किसी से लोन लिया, किससे, बीटा कमर्शियल बैंक से, एंड द चार्ज वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड, चार्ज रजिस्टर्ड किया हुआ है। लेटर ऑन इफ द बिल्डिंग इज सोल्ड टू नीरज, बाद में बैंक ने कंपनी ने किया बिल्डिंग को नीरज को सेल कर दिया, ही इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ सच चार्ज, मान लिया जाएगा कि नीरज को पता है। इन अदर वर्ड्स इट इज प्रिज्यूम दैट नीरज न्यू बिफोर हैंड दैट द बिल्डिंग वॉज मॉर्गेज टू द बैंक फॉर ऑब्टेनिंग ए लोन, ही कैनॉट प्लीड against such presumptions by contending that he did not know about the charge. Hey, Bhagwan, kya ho gaya mere saath? Theek hai? If he suffers any loss at the latter date because of the mortgage. Agar baad mein Neeraj ko koi bhi dikkat hoga, ye Neeraj ka apna problem hai. Ki Neeraj ne kyun nahi dekha? Kyun nahi research kiya? Kyun nahi survey kiya? Samajh mein aaya sir? Searching kyun nahi kiya? Isliye property khareedne se pehle bhi hame searching karna padta hai. हाँ सर, प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले भी हमें सर्चिंग करना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी किसका है, क्या इस प्रॉपर्टी से किसी का लोन तो नहीं है। हाँ सर, कभी आप लोग ऐसे सुने हो, अगर आप कभी भी कोई फ्लैट खरीदने जाते हो, कोई बिल्डिंग खरीदने जाते हो, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में हम सारा का सारा डिटेल्स पहले सर्चिंग में डालते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी में कोई कुछ मॉर्गेज वगैरह है या नहीं है, ये सारा का सारा चीजें सर्चिंग करके निकल के आ सकता है, ठीक है, बिकॉज ओरिजिनल डीड नहीं मिलेगा। अगर मानो कि आप कहीं पर घर लेने या फ्लैट लेने जा रहे हो, वो घर मॉर्गेज किया हुआ है या नहीं है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है बोलो तो, कोई मुझे बता सकते हो? इसे फॉर एग्जांपल आप किसी जगह में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग ही खरीदने जा रहे हो, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? यस और नो, प्लीज टेल मी सर। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है, 3 BHK हो या 2 BHK हो, डिफरेंट काइंड ऑफ BHK होता है आजकल, ठीक है, तो ये मानो कि आप ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हो। अब ये प्रॉपर्टी देखने में तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी कितना सुंदर देखने में है, इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी
जिससे आप ले रहे हो क्या इस प्रॉपर्टी से उनका कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है? हाँ सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 87 लाख का प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन इसको परचेस करने से पहले आपको ये सब लीगल डॉक्यूमेंट सर्च करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि अगर इस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डीड जो है, ओरिजिनल कागज, ठीक है, जिसको प्रॉपर्टी डीड या प्रॉपर्टी पेपर बोल सकते हो आप, वो प्रॉपर्टी पेपर इनके पास होना चाहिए, ओरिजिनल वाला, ठीक है, जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल वाला। अगर मॉर्गेज होता है ना तो ओरिजिनल पेपर बैंक के पास होगा, ठीक है। तो ये सब कॉमन सेंस लगाइएगा, जब कभी भी आपको जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी प्रॉपर्टी डीलिंग्स में जाना ही पड़ता है, तो जब भी आप प्रॉपर्टी डीलिंग्स के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले जाके प्रॉपर्टी डीड पेपर वगैरह मांगना। अगर वो आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टी डीड पेपर शो करता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी उसका मॉर्गेज नहीं है, और अगर मॉर्गेज है तो फिर डीड पेपर कहीं होगा, बैंक के पास होगा, ठीक है। नील, संपर्ण, अभिषेक, बोलो सर। इनकी सर, विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ऑप्टेंड टर्म लोन ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम, तो बेसिकली ये मैंने आपको बोल दिया। तो अगर नीरज ने बैंक से, सॉरी, नीरज ने अगर कंपनी बिल्डिंग परचेस कर लिया कंपनी से, ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लिया, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि नीरज को पता है कि सेम बिल्डिंग विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड जो कंपनी है, इसी बिल्डिंग पे लोन लेके रखा है, मतलब बिल्डिंग को मॉर्गेज करके किसी से लोन लेके रखा है बैंक से। तो नीरज को इसका पता, मतलब ये मान लिया जाएगा कि नीरज को पता है, बिकॉज ये डीम्ड नोटिस है एज पर कंपनी लॉ, ये डीम्ड नोटिस है, ठीक है। आम लॉ में अलग बात है, बट कंपनी लॉ के हिसाब से ये डीम्ड नोटिस है, कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस है। आपको मान लेना पड़ेगा कि नीरज को पता है। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये नीरज का अपना कंसर्न है कि वो कैसे अपना लॉस को मैनेज करेगा, ठीक है। बोलो सर। ধরুন সেই ক্ষেত্রে যদি, আওয়াজ কাট রহা হ্যায় বল স্যার, বলছি যদি ধরুন সেই ক্ষেত্রে যে কোম্পানি, যে কোম্পানিটা স্যার এই লোনটা নিচ্ছে, যেটা প্রথমে চার্জ মানে অ্যাড করবে এমসিএ তে, সেটা যদি না করে থাকে, সেই ক্ষেত্রে তো স্যার নিজে কোনো দোষ হবে না? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब दोष नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है तो कंपनी के तरफ से, कंपनी ने अगर चार्ज को ऐड नहीं किया तो वो कंपनी का ऑफेंस माना जाएगा। यस, इन दैट केस नीरज के पास एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि यस, मैंने सर्च किया था और एज पर दी, সেই ক্ষেত্রে ধরুন স্যার ডেটটা মেনশন করাই থাকে না, যখন এমসিএ তে অ্যাড করবে সেই ক্ষেত্রে ডেটটা মেনশন হচ্ছে। Yes, যখন নিরাজ নিচে তখন ডেট মেনশন হচ্ছে, যখন লোন নিচে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে। Yes, ডেট তো মেনশন হবে, বিলকুল হবে। এবার সেই ক্ষেত্রে যে কোম্পানি দেখা গেল যে ধরুন নিরাজ নেওয়ার পরে সেটাকে অ্যাড করেছে, তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে তো কোম্পানিরই দোষ। নিরাজ লেনে কে বাদ তো প্রপার্টি অর কোম্পানি কে নাম পে হ্যায়ই নি। विष्णु मार्केटिंग जब नीरज को सेल कर रहा है, तो नीरज लेने के बाद ये प्रॉपर्टी कंपनी का है ही नहीं, तो कंपनी कैसे उसको चार्ज क्रिएट करेगा? सर ওটা তো স্যার এমসিএ তে যখন অ্যাড করবে তখন তোকে দেখাতে হবে যে আমি এত টাকা লোন নিয়েছি, সেই ক্ষেত্রে বিল্ডিংটা আমি নীরা মানে আমি এটা নীরাজের থেকে নিয়েছি বলে এই বিল্ডিং নীরাজের নামে করা আছে চার্জ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बात नहीं समझा। यहां पर क्या हुआ, विष्णु मार्केटिंग अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज करके, चार्ज क्रिएट करके बैंक से लोन ले लिया, बाद में सेम बिल्डिंग को वो नीरज को सेल कर दिया। अब नीरज जब इसको परचेस करने गया था, तब लॉ कहता है कि नीरज को देख लेना चाहिए, नीरज कौन है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जब इसको खरीद रहा था, ये थर्ड पार्टी का जिम्मेदारी है, नीरज का जिम्मेदारी है कि वो देखे कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई चार्ज क्रिएट है या नहीं है। अब इसका सर्चिंग वगैरह वो कर सकता है एमसीए पोर्टल के थ्रू से, आरओसी के ऊपर। अगर बाद में अगर ये नीरज कंपनी को फिर से उसी प्रॉपर्टी में लोन प्रोवाइड करता है तो सेम कॉन्सेप्ट, নীরজ কো পতা হোনা চাহিয়ে। হ্যাঁ, আমি স্টে বলছি স্যার, ধরুন যদি লোনটা প্রভাইড করার সময় ধরুন নীরজ দেখলো যে কোম্পানিটা মানে তার যে অ্যাসেটটা বিল্ডিংটা সেটা এমসিএ তে মানে অ্যাড করা নেই, মানে
উল্লেখ করা নেই, কিন্তু ও যে নিরাজকে দিয়েছে তার পরের ডেটা দেখাচ্ছে যে তাদের স্যার তার পরে যদি সেটা অ্যাড করতে চায় তখন তো তাহলে ব্যাংকের নামে করতে পারবে না। বিষ্ণু মার্কেটিং সে পুরা কা পুরা পয়সা ব্যাংক যদি আগের ডেটে নিয়েছিল সে নো ক্লেম করতে পারে। दोष होगा तभी तो लॉ है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि इधर से भी खाएंगे उधर से भी खाएंगे। ठीक है, जैसे न्यूटाउन में जमीन को लेकर ऐसा बहुत विवाद है सर। न्यूटाउन में ऐसा हुआ है, मतलब हमारे यहाँ पर क्या बताऊँ मैं आपको, बोलने में भी खराब लगता है, और भी बहुत सारे जगह में है लैंड माफिया बोलते हैं इसको। लैंड माफिया समझते हो? लैंड माफिया में क्या होता है, हाँ जैसे न्यूटाउन एरिया में ये सब केसेस भरा पड़ा है। ठीक है, ये सब एरिया में जो न्यूटाउन, जब से न्यूटाउन बना है आसपास के एरिया में, ये सब तो बेसिकली गाँव है ना सर। ठीक है, जो टुवर्ड्स आपका बोसीराट के तरफ जाता है, टुवर्ड्स बोसीराट के तरफ जाता है, इट्स अ प्योर भांगौड़ बोसीराट टाकी। ठीक है, ये जो एरिया इधर जा रहा है, स्पेशली मैं इस एरिया का बात कर रहा हूँ जो बेसिकली कोलकाता के वेरी कनेक्टेड में पॉइंट में है, इधर विलेज एरिया। लेकिन बिकॉज न्यू टाउन यहाँ पर बन गया है तो गाँव का जमीन का दाम बहुत हो रहा है, और उस जमीन को लेने के लिए डिमांड सप्लाई में भी बहुत चेंजेस आ गया है। स्पेशली एरिया लाइक पोलेरहाट, हाथीशाला, भोजरहाट या फिर खोड़ीबाड़ी, बादू, दीज आर दी एरियाज जहाँ पर जमीन को लेके बहुत मुश्किल है। ऐसा हो रहा है कई बार कि क्योंकि ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं तो कोई क्या कर रहे हैं, उनसे जमीन ले रहा है। ठीक है, जमीन लेके उसको बोल दे कि तुम्हारा जमीन का दाम ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, सपोज तुम्हारा एक जमीन यहाँ पर है, ठीक है, न्यू टाउन के आसपास के गाँव में। अब तुमको बोल रहा, तुमको पता था जब तक ये नॉर्मल गाँव था न्यू टाउन होने से पहले, न्यू टाउन होने से पहले आपका जमीन का नॉर्मल दाम था मानो 3 लाख टका काटा। ठीक है, कठा बोलते हैं ना सर, 3 लाख पर कठा गांव के हिसाब से दाम था। लेकिन क्योंकि ये न्यू टाउन हो गया है, अब इसके हिसाब से यहाँ का जमीन का दाम करोड़ों भी छू रहा है सर। ठीक है, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी जा रहा है, 1.5 करोड़ भी जा रहा है। अब वो गांव के जमीन गरीब को क्या समझा रहा है कि भाई तुमको 10 लाख देगा। 10 लाख से वो जमीन जिसके नाम पे है उसी के नाम पे रहा है, पेपर्स कुछ नहीं है, एक नॉर्मल पेपर्स में, नॉर्मल डीड पेपर में दिखा के डुप्लीकेसी करके उसको कुछ पैसा दे दिया। अब बाद में जब दूसरा बंदा खरीदने के लिए आते हैं उसको बोलते हैं कि ये जमीन इतना दाम का है। तो एक ही जमीन जिसका कोई प्रॉपर कागजात नहीं है ना, प्रॉपर रजिस्ट्री है, एक के बाद एक सेल होते जा रहा है, प्रॉपर ओनर कौन है उसको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब लैंड माफिया बहुत भयंकर सिचुएशन में चल रहा है। एक ही जमीन 4-4 बार, 5-5 बार सेल हो रहा है, बाद में सभी कोई कोर्ट में जाके बोल रहा है ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है, सभी कोई बोल रहा है। उतना भी दूर जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे आसपास के यहाँ पर एरिया में, जैसे केशवपुरी आसपास के एरिया में प्रोमोटिंग जहाँ जहाँ हो रहा है, प्रोमोटर में क्या हो रहा है आपको पता है? प्रोमोटिंग में, प्रोमोटिंग करने के लिए प्रोमोटर जगह तो लोगों से ले रहा है, लेकिन ना तो वो प्रोमोटिंग के लिए जो भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो कर रहा है, वो जगह ले लिया, फिर बोला कि उसको भाड़े पे रख दिया कहीं पर, फिर बोले कि आज तुमको घर देंगे कल घर देंगे, ना तो वो रजिस्टर किया है, ना तो बिल्डिंग के लिए परमिशन लिया है, और ऊपर से वो झमेला में फंसा हुआ है। कितना सारा लोग डेली लॉयर का चक्कर काटता है आपको मैं क्या बताऊं। अपना ही जमीन से खुद गायब होके किसी प्रोमोटर को दे दिया, प्रोमोटर बोल रहे आज देगा कल देगा परसों देगा, अभी तक ना तो उनको घर मिल रहा है और ना ही अपना जमीन का यूज करने का मौका। मतलब इतना भयंकर हालत है किसी किसी एरिया में। मतलब ये सब प्रॉपर्टी मैटर ना हमेशा बहुत ही सेंसिटिव इशू हो जाते हैं सर। अगर आप इवन पढ़ा लिखा लोग भी फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ऑलवेज बी वेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज में भी आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग। चार्ज दो तरह का हो सकता है, फिक्स चार्ज भी हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। सर फिक्स चार्ज कैसा,
Fixed charge is a charge on specific assets of the borrowing company. These assets have the permanent nature like land and building, office premises, machinery installed by the company, and the like. Further, these assets are identified at the time of creation of charge. A fixed charge is usually created by way of mortgage or deposit of title deeds. Fixed charge create hota hai kiske through se? By way of mortgage or deposit of title deeds. ठीक है, title deeds दो, इसका ownership पक्का है तो title deeds provide करो. ठीक है, तभी जाके charge होगा. मैं आपको क्या बोला, कोई property आपका है इसका प्रमाण है कि उसका deed आपके पास होगा, है ना, जिसको title deed बोलते हैं. तो title deed ले लिया जाएगा तभी वो charge create होगा. अगर आपका ही property का paper आपके पास ही है तो फिर वो charge कैसे हुआ, है ना. बैंक जब आपसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको किसी तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं तो बैंक क्या करता है, आपका टाइटल डीड किसके पास जाएगा, बोलो, बैंक के पास जाएगा ना. बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पेपर का ही तो मैटर है ना सर, पेपर का ही तो मैटर है. व्हेन अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच एसेट्स द चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड. व्हेन अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच एसेट्स द चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड and the borrowing company is not permitted to sell such assets through though it may use them. हाँ, जो company borrow किया वो इसको sell नहीं कर सकता, हाँ उसको use कर सकता, though it may use them, use कर सकता है, but उसको sell नहीं कर पाएगा. ठीक है, assets under fixed charge can be sold only with the permission or consent of the charge holder. जो charge holder है उनके permissions पे sold हो सकता है, अगर वो permission दे तो, अदरवाइज नहीं. अ फिक्स चार्ज इज वैकेटेड. अब आप बोलोगे सर, सर जो पर, जो जो चार्ज होल्डर है वो क्यों परमिशन देगा. सर अगर वो उसको दूसरा किसी एसेट्स पे चार्ज न्यूली क्रिएट करके देगा तो देगा, है ना. फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को, ये कंपनी है, कोई फैक्ट्री है वो कंपनी, इसमें मानो संपद ने कोई चार्ज क्रिएट, संपद के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट है, ठीक है, एसेट्स पे. अब अभिषेक जाके, सॉरी अभिषेक को जरूरत नहीं है यहाँ पर, अभी संपद को पूछ के कंपनी ने चार्ज जो जो पर्टिकुलर एसेट्स में चार्ज था उसको सेल किया, तो संपद तभी ना राजी होगा, नेगोशिएशन में आएगा जब संपद को दूसरे किसी एसेट्स का चार्ज क्रिएट करके देगा. क्या संपद बोल, यही ना सर, घंटा ठीक है, बोलो ना, क्लियर बोलो. क्यों, ऐसा क्या बोल दिया मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमको कंपनी, जैसे यहाँ पर क्या बोला कि कंपनी चार्ज जो एसेट्स पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट किया हुआ है उसका सेल तभी कर सकता है. एसेट अंडर फिक्स चार्ज कैन बी सोल्ड ओनली विद द परमिशन और कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर. तो मान तूने कंपनी को लोन दिया था, कंपनी तेरे अगेंस्ट पे चार्ज क्रिएट करके रखा था, ठीक है, तो जब कंपनी तुम्हारे अगेंस्ट पे चार्ज क्रिएट करके रखा था, अब तुम्हारे परमिशन के साथ ही तो कंपनी उसको सेल कर सकता है, तो तुम परमिशन कब दोगे, तुम परमिशन कब दे सकते हो किसी को. हाँ बोलो, जब उनसे हमारा लोन शोध करते बार में तुम्हें तो परमिशन दो, टाइम टाइम या तो तुम्हारा लोन शोध कर देगा या फिर सिमिलर वैल्यूएशन का कोई दूसरा चार्ज तुम्हें क्रिएट कर देगा, यही ना. हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो, तभी तो तुम परमिशन दोगे. कंपनी को जरूरत पड़ सकता है कि कंपनी अपना एसेट सेल करना चाहता है, कर ले, लेकिन अगर चार्ज क्रिएट है तो चार्ज होल्डर के परमिशन के बिना नहीं कर पाएगा. ठीक है सर, जब से ধরুন আমাকে শুট করতে পারবে না তখন যখন বিক্রি করব তখন কি আমি বিক্রি করতে হবে নাকি সেটা কোম্পানি বিক্রি করে টাকাটা দেবে. सर जो टाइम का बात हुआ था ना, जो टाइम का बात हुआ था, अगर उस टाइम के अंदर आपको कंपनी अपना पैसा वापस नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस एसेट्स पे तुम्हारा अधिकार हो जाएगा. ठीक है, अब ये डिस्प्यूट कंसर्न का मैटर है, इसमें सॉलिसिटर्स लोग आ सकते हैं, आएगा. ठीक है, अब आपके नाम पे ऑटोमेटिकली वो चार्ज क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही वो चार्ज इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट टाका जितना का बाकी रहेगा उतने का एसेट्स तुम्हारा, बाकी कंपनी सेल करके तुम्हारा पैसा तुमको वापस करेगा, सिंपल बात है. लेंडर से पैसा लिए, लेंडर का पैसा चुकता करो. जिसने, तुमने बोरो किया, तुमने लोन लिया, एसेट्स गिरवी भी था आपका,
जैसे बैंक से अगर आप लोन लेते हो मॉर्गेज करके, अगर तुम लोन नहीं दे पाते तो बैंक क्या करता है? नहीं है, बस वही करेगा और क्या करेगा। इस केस में भी एसेट्स तुम्हारे नाम पे चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है? कि तुम कंपनी के एसेट्स का हकदार बन जाओगे या फिर कंपनी का वो एसेट सेल करके तुमको पैसा मिलेगा, तभी तो सिक्योर्ड है, तभी तो आपका पैसा मारने का चांसेस क्या हो गया, कम हो गया, आपका पैसा मारा नहीं जाएगा, सिंपल बात है। तो ये हो गया फिक्स चार्ज। अब एक दूसरे टाइप का चार्ज होता है जिसका नाम है फ्लोटिंग चार्ज। अब आप ये समझो फ्लोटिंग चार्ज क्या है। सर अब फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स और क्लास ऑफ एसेट्स विच आर फ्लक्चुएटिंग नेचर और चेंजिंग इन नेचर, लाइक रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर एंड द लाइक। मतलब क्या है सर, कंपनी के पास ना रॉ मटेरियल्स होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड होते हैं, डेटर्स होते हैं, इस तरह का एसेट्स भी होते हैं जिसको बेसिकली अकाउंट्स की भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, करेंट एसेट्स ना। एक फिक्स एसेट्स होता है, दूसरा करेंट एसेट्स होता है। करेंट एसेट्स मतलब जिसको सेल करके विद इन वन ईयर यदि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ करेंट एसेट्स। अब रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स मतलब जिनसे कंपनी को पैसा मार्केट से मिलेगा, मतलब कंपनी का कस्टमर्स, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। ये भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन ये कैसा एसेट है, ये करेंट एसेट्स है, ये चेंज होता रहता है, ये आज ज्यादा है तो कल कम हो जाएगा, परसों कम है तो परसों और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एसेट्स पे भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। द एसेट्स अंडर फ्लोटिंग चार्ज कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज द बोरोइंग कंपनी इज परमिटेड टू यूज देम फॉर ट्रेडिंग एंड प्रोड्यूसिंग दैट फाइनल गुड्स फॉर सेल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर रिटेल शोरूम विल कंटेन न्यूमरस आर्टिकल्स केप्ट फॉर सेल। एक रिटेल शोरूम है, उनके दुकान पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो वो रेगुलरली सेल करता है। द ओनर ऑफ द शोरूम माइट हैव बोरोड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोज गुड्स इन द शोरूम। बात समझिएगा, जिनका शोरूम है उसने क्या किया, अपने स्टॉक को मॉर्गेज करके मार्केट से लोन लिया, बट ही मे स्टिल सेल और अदरवाइज डील विद देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। द बायर विल गेट इट फ्री ऑफ द चार्ज, द बायर विल गेट इट द फ्री ऑफ द चार्ज, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आया सर, रिटेल शोरूम वाले अपना प्रोडक्ट जो उसके दुकान में है वो दुकान का प्रोडक्ट को चार्ज करके मार्केट से लोन लिया। Owner of the showroom might have borrowed against the security of all those goods in the showroom, but he may still sell or otherwise deal with them in the ordinary course of business. ठीक है? And the buyer will get it free of the charge. Buyer के साथ, buyer को इसके साथ कोई concept नहीं है, buyer इसको free of charge ले सकता है। Seller जो है वो अपना product sell कर सकता है, भले ही उसके ऊपर किसी का charge create हो या ना हो। मतलब मैं आपको थोड़ा सा और clearly बोलता हूँ। सर एक लोन होता है, बैंक प्रोवाइड करते हैं, ये इस तरह का लोन भी बैंक प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं सर स्टॉक के बेसिस पे लोन प्रोवाइड करना, इसको कैश क्रेडिट भी कहा जाता है ना सर, आपने देखा कैश क्रेडिट, समझते कि नहीं समझते। जैसे मानो ये एक शोरूम है, रिटेल शोरूम है कपड़ा का, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, प्लीज टेल मी सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैंने जस्ट रैंडमली रिटेल शोरूम उठा लिखा तो आपको यहाँ पर, मुझे यहाँ पर कपड़ा ही दिखाई दे रहा, दूसरे कोई भी आर्टिकल हो सकता है बट मुझे यहाँ पर कपड़ा मिला या फिर किसी भी तरह का न्यूमरस आर्टिकल्स है। बोलो सर, क्या आपको दिखाई दे रहा है, यस और नो? हाँ सर। तो से फॉर एग्जाम्पल ये जो अलग अलग आर्टिकल्स इस दुकान में हैं, इसके बेसिस पे ये सब क्या है, कंपनी के लिए स्टॉक है ना सर, तो स्टॉक के बेसिस में भी कंपनी को लोन मिलता है ना, तो बैंक इसके ऊपर भी लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि ये स्टॉक सेल नहीं कर पाएगा, प्लीज टेल मी, स्टॉक के अगेंस्ट पे। हाँ बोलो, क्यों नहीं कर पाएगा? अरे भाई बिजनेस को लोन मिलता है सेल के ऊपर, ये मॉर्गेज का मतलब क्या है?
मॉर्गेज का मतलब है कि भाई आपके पास इतना स्टॉक है, देखो बिजनेस समझो, स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक के अगेंस्ट में लोन क्या होता है, कैश क्रेडिट लोन बोलते हैं सर ऐसा। स्टॉक के अगेंस्ट में जो लोन दिया जाता है, जैसे बैंक, कोई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन प्रोवाइड करेगा, से फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख देगा, तो बैंक ने ये देखा कि आपकी दुकान में कितना स्टॉक है, तो ऑलमोस्ट आपकी दुकान में 30 लाख का स्टॉक है। सर कैसे पता किया? सर ये सर्वे करके बिजनेस नॉलेज के साथ पता चलता है, सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में क्या दाम में बिकता है, सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में क्या रेट पे सेल होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में क्या दाम पे सेल हो सकता है, तो अगर यही प्रोडक्ट मार्केट में क्या दाम पे सेल होता है, ये 10-15 दुकान देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा, 10 भी नहीं 5-6 दुकान देखो लोकेलिटी वाइज, एंड जो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं उसको इतना नॉलेज होना चाहिए। अब दुकानदार को लोन जो बैंक ने दिया, बैंक ने 10 लाख का SBI ने लोन दिया आपको, तो बैंक क्या बोलेगा, भाई 10 लाख का सामान रख देना बिकॉज मेरा मॉर्गेज है? नहीं नहीं, आप तो बैंक को, ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार बैंक को इंटरेस्ट भरेगा ना, दुकानदार बैंक को इंटरेस्ट भरता जाएगा, लेकिन बैंक ने इसलिए लोन दिया बिकॉज इसके पास इतना बिजनेस है जो इसको सेल करके बैंक का पैसा रिपे हो सकता है। हेलो, मतलब आपका बिजनेस देख के ही तो वो लोन दे रहा है, आपका स्टॉक देख के लोन दे रहा है वो, इसका मतलब इतना स्टॉक तो अगर आप सेल ना भी कर पाओ तो बैंक जब्त करेगा, बैंक सेल करेगा, ऑक्शन में उठाएगा, अपना पैसा उठा लेगा। बात समझ में आ रहा है सर? अगर आप फ्यूचर में बैंक का मतलब ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हो, बिजनेस नहीं कर पाते हो, तो बैंक आपका ये प्रोडक्ट सेल जब्त करेगा, ठीक है, और बाद में खुद से ऑक्शन करके सेल कर देगा। सिमिलरली कंपनी के केस में भी वही बात है, जब फ्लोटिंग है रॉ मटेरियल के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉ मटेरियल यूज करना बंद कर देगा या स्टॉक इन ट्रेड यूज करना बंद कर देगा या डेटर से पैसा लेना बंद कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका चार्ज चेंज होता जाएगा समय के साथ साथ, लेकिन ये भी एक तरह का चार्ज है। ठीक है, द रिटेल शोरूम विल कंटेन न्यूमरस आर्टिकल्स केप्ट फॉर सेल, द ओनर ऑफ द शोरूम माइट हैव बोरोड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोस गुड्स इन द शोरूम, शोरूम में जितना गुड्स है उसके अगेंस्ट में ही उनको लोन मिला है, बट दे ही स्टील सेल और अदरवाइज डील विद देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ए बोझा गलो, समझ में आया स्नेहेश? अभिषेक सही क्षेत्र মানে বিক্রি করলে যে টাটা আছে সেই টাটা তখন তাহলে ব্যাংকে দিতে হচ্ছে। তো ওই তো 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 ব্যাংক কো কিয়া মর্গেজ প্রপার্টি দে দেতে হো কিয়া? না না স্যার, ওটা তাহলে দি দিচ্ছে আর যদি এবারে স্যার ধরুন 10খানা স্টকের মধ্যে 5টা বিক্রি হয়েছে, সেই 5টা স্টকের টাকা দিয়েছে, আর 5খানা না হলে সেই 5টা স্টক ওটা বিক্রি করে দেবে। না না, অ্যাকচুয়ালি ऐसा नहीं होता। ओहो, আচ্ছা তুমি বিজনেস লোন কবি লেনে যাওগে তো তোমারা কিয়া কনসেপ্ট হবে বলো তো? মানে ये दुकान तुम्हारा है, ओके संपर्क? हाँ सर। मान की ये तेरा बिजनेस है, ठीक है? अब ये बिजनेस तेरा है, ये प्रोडक्ट तू ही सेल करेगा मार्केट में, लेकिन तेरे को कुछ पैसा का जरूरत है बिजनेस के लिए, से फॉर एग्जांपल फॉर मार्केटिंग, या किसी को सैलरी दे के रखना है बिजनेस में, बट तुम्हारे पास थोड़ा वर्किंग कैपिटल की कमती है। आगे आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, ग्रुप टू में तुम लोग आए, CS में, CMA भी ग्रुप टू में है और CMA में अंदर भी ग्रुप टू में है। मैं ग्रुप टू के लिए जो भी है सबको पढ़ाता हूँ, CA, CMA, MBA वाले सबको फाइनेंस का क्लास प्रोवाइड होता है। तो सर उसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको सिखाऊंगा डिटेल्स पे कि किस तरह से बैंक लोन के लिए अप्लाई होता है, ठीक है? बैंक लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर, आप लोग बीकॉम लेवल में भी किए होंगे, जो बीकॉम किए हैं। सर वर्किंग कैपिटल के लिए मानो कि आपको 10 लाख चाहिए, ओके संपर्क? अब 10 लाख के बदले बैंक आपको, 10 लाख के बदले बैंक आपको बोला कि भाई मुझे 11% रेट में आपसे इंटरेस्ट लेना है, तो आपका कुछ मंथली EMI आएगा, 2 साल के लिए ये लोन है, 2 ईयर्स लोन है, तो 2 साल में 11% रेट में आपको बैंक को जो भी आपका EMI होता है, मतलब मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको बैंक को मंथली इंटरेस्ट भरना होगा। तो मानो कि बैंक ने आपको बोला कि मंथली 20,000 करके आपको बैंक को देना है और ये 10 लाख आपको चुकता करना है, ठीक है? मतलब जस्ट एग्जांपल के तौर पे 20,000 हो या 30,000 जो भी हो, आपको बैंक को 30,000 करके 2 साल के अंदर ये लोन को
নাকি করতে ঠিক আছে 30,000 করকে 360,000 আচ্ছা 30 সে নেই হোগা 10 লাখ হ্যাঁ না তো অলমোস্ট আপকো হর সাল কম সে কম 5 লাখ তো ভরনা হি পড়েগা 45 to 50,000 হোগা না অলমোস্ট 50,000 পার মান্থ আপকো ব্যাংক কো ভরনা হ্যাঁ তো ইয়ে 50,000 তুম কেসে ভি করকে ভরোগে আপনা বিজনেস সে সেল করকে হি ভরোগে তো ব্যাংক আপকো তবি না লোন দেগা জব আপকা 50,000 পার মান্থ রিপে করনে কা ঔকাত দেখেগা ঠিক হ্যায় बैंक स्टेटमेंट देखेगा आपका बिजनेस सिनेरियो देखेगा बैंक आपको 50,000 पर मंथ के लोन रीपे करने का ताकत देख के ही आपको लोन प्रोवाइड करेगा जिसको हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं ना क्षमता या औकात ठीक है कि आपका क्षमता है या नहीं है तो इतना क्षमता है आपका ये शोरूम का वैल्यू देख के समझ में आ रहा है अब सवाल ये उठता है कि तो इसके लिए आपको सेल बढ़ाना पड़ेगा आप अपने बिजनेस से जैसे जो जैसे आप बिजनेस करते हो ऐसा करोगे तो आपको जो बैंक 10 लाख दे रहा है किसके बेसिस में दे रहा है आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक देख के दे रहा है आप किसका बिजनेस करते हो उसको देख के ही दे रहा है मार्केट में सेल है आपका बैंक स्टेटमेंट है आपका इनकम प्रूफ है आपका इनकम टैक्स है बस यही बिजनेस देखेगा आपका टर्नओवर देखेगा समझे आया देख अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर बैंक आपका स्टॉक देख के आपको लोन दिया है तो आपको स्टॉक मॉर्टगेज मतलब आपको स्टॉक को रख देना है दुकान में नहीं नहीं ऐसा नहीं है अगर इन फ्यूचर किसी कारण से आप 10 लाख रुपए नहीं कर पाते हो या 5 लाख रुपए किए 5 लाख नहीं कर पाए तो उतने वैल्यूएशन का सामान बैंक जब्त करेगा मार्केट में सेल करेगा अपना पैसा मतलब वापस करेगा खुद से ओके सर समझ में आया हाँ सर ये सब बिजनेस के अगेंस्ट में लोन होता है ठीक है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर बिजनेस कॉन्सेप्ट ठीक है तभी तो बिजनेस चलता है एग्जैक्टली ये शोरूम के केस में यही हुआ इन केस ऑफ ए कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स लेदर गुड्स द रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ लेदर रॉ मटेरियल क्या है लेदर में है अब लेदर का मार्केट वैल्यू है विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मे बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर लेदर गुड्स विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द लेंडर आपको लेंडर से कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है आप अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लेदर है वो लेदर आप रेगुलर बेसिस में सेल करते रहो लेंडर को थोड़ी ना लेदर देना है लेंडर को तो उसका पैसा देना है समझ में आ रहा है ना भले ही लेंडर का फ्लोटिंग चार्ज है आपके स्टॉक पे आपके रॉ मटेरियल्स पे बट आपको बेसिकली लेंडर को क्या देना है लेंडर को तो पैसा देना है आप कैसे करके पैसा दे दो उसको लेकिन इफ फॉर एनी रीजन आप लेंडर का पैसा चुकता नहीं कर पा रहे हो तो लेंडर का आपके रॉ मटेरियल्स पे ऑन दैट टाइम जो भी रहेगा आपके स्टॉक इन ट्रेड पे आपके डेटर्स पे उनका हक रहेगा मतलब आपको मार्केट से जो पैसा मिलेगा उसमें लेंडर का हक पहले आ जाएगा आपके स्टॉक इन ट्रेड में जितना पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर उसमें लेंडर का हक आ जाएगा आपकी दुकान में जितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें भी लेंडर का हक आ जाएगा इन फ्यूचर इफ फॉर एनी रीजन यू फेलियर टू रीपे द अमाउंट यू बोरो फ्रॉम द लेंडर आई होप यू अंडरस्टैंड सर बोलो सर बोलो क्या फ्लोटिंग चार्ज समझ में आया कोई डाउट है अभी भी किसी को भी डाउट है तो बोलो सर हाँ नील इंकी अभिषेक बोलो सर एनी डाउट सर हाँ सर नो सर 10 Unlike a fixed charge, the assets offered as security by the company can be dealt by the company in the ordinary course of business. Fixed ke matter mein company sell nahi kar payega. But current ke matlab matter pe company sell kar payega. The buyer of the assets will get it free of charge. Theek hai? When the creditor enforces the security of the company, matlab jo buyer hai na product ka, unko koi charge nahi aayega. Jaise main aapko buyer ke bare mein kyun baat ho raha hai. Jaise Neeraj jab property purchase kiya tha, उनके ऊपर एक चार्ज लगा था क्या बोलो तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कॉन्सेप्ट आ गया था नीरज ने बिल्डिंग परचेस कर लिया ऐसा बिल्डिंग परचेस किया जो बिल्डिंग के ऊपर कंपनी ऑलरेडी वो चार्ज क्रिएट करके लोन लेके रखा था है ना सर पॉइंट टू बी नोटेड संभव विष्णु मार्केटिंग ने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा था वही प्रॉपर्टी नीरज ने बाद में परचेस किया था विदाउट नोइंग ये प्रॉपर्टी में मॉर्गेज है या नहीं है अगर इन फ्यूचर कुछ डिस्प्यूट होता है
तो ये कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, नीरज का प्रॉब्लम है कि नीरज ने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं जानकर इंडिया कि इस प्रॉपर्टी में फिक्स मॉर्गेज रखा हुआ है। तो ये नीरज का प्रॉब्लम है, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये उसको बताते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब ये डीम्ड नॉलेज था, ये फिक्स चार्ज था, लेकिन जब बात फ्लोटिंग का है इसमें बायर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप आराम से अपना प्रोडक्ट परचेस करते जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी किसी का कोई भी चार्ज है तो उसमें बायर का कोई फ्री मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायर इज फ्री, आप आराम से प्रोडक्ट परचेस करो। किसने लोन दे के रखा, किसका क्या चार्ज है प्रोडक्ट पे, बायर पे इसका कोई असर नहीं आता। क्लियर बात? हाँ सर। बिकॉज ये फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज पे बायर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिक्स चार्ज पे बायर का इफेक्ट आएगा अगर बायर ने ना जान के ना बूझ के कुछ करेगा, ठीक है। मतलब जानो बूझो तब काम करो। तो कंपनी ला, हाँ बोलो, ये कहने से बायर की ले तो अपने कंपनी ला, कंपनी कपल खुल। When the creditor enforces the security or the company goes into liquidation, ठीक है, जब creditor enforces the security or company goes into liquidation, जब company liquidation पे चले जाते हैं, creditor को क्या problem हो जाते हैं? The floating charge will become a fixed charge, ठीक है। अब यहाँ पर एक case है, on all the assets available on that date and which may come into existence thereafter, this is called crystallization of a floating charge. Sir, very important and interesting concept. Crystallization of a floating charge. क्या हो गया crystallization? क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, समझ में आया बात? सर अगर ऐसा हुआ कि कंपनी लिक्विडेशन पे चला गया, लिक्विडेशन समझते हो ना, जैसे आज के डेट में बिग बाजार का जैसे हालत हो रहा है, लिक्विडेट हो जाएगा मतलब कंपनी बंद के कगार में आ गया। अगर ये कंपनी जो भी है, कंपनी का नाम क्या नाम दे इसका, हाँ फैशन प्राइवेट लिमिटेड, से फॉर एग्जाम्पल फैशन प्राइवेट लिमिटेड लिक्विडेशन में जा रहा है, ये डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी लिक्विडेट होगा, क्योंकि कंपनी कब लिक्विडेट होता है, जब कंपनी अपने क्रेडिटर का पैसा देने में नाकाम रह जाते हैं समय के साथ साथ, कब मतलब एकदम ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं कि वो कभी नहीं कर पाएगा, तब कंपनी के पास और कोई चारा नहीं रहता लिक्विडेशन के बिना। जैसे बिग बाजार के लिए मार्केट में आवाज उठ रहा है, जो बिग बाजार के लेंडर्स हैं वो बार बार बोल रहे हैं, डिश टीवी के बारे में भी आपको मैं बताया था, है ना, डिश टीवी के बारे में ग्रुप टू में बताया था, सिक्योरिटी एनालिसिस में, फाइनल ग्रुप टू के अंदर जो सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ाया जाता है सेबी का, उसमें मैं बताया था। तो कॉन्सेप्ट इज दैट अगर आपका बिजनेस लिक्विडेशन में जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप और प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे, बात समझ में आया। जिस दिन आप ये डिक्लेयर कर दोगे कि आप लिक्विडेशन में जा रहे हो, ठीक है, या बैंक डिक्लेयर करेगा या कोर्ट डिक्लेयर करेगा, ये कंपनी अभी लिक्विडेट करेगा, ठीक है, बिकॉज इसके पास और कोई चारा नहीं है अपना क्रेडिटर का पैसा वापस करने का, ठीक है। मार्केट में बिजनेस हालत खराब है, मार्केट में लोन बहुत हो गया है, अब लिक्विडेशन के बिना कोई और जगह नहीं है। जैसे ही लिक्विडेशन चार्जेस आ जाएगा आपके ऊपर, लिक्विडेशन आ जाएगा, अब आपके स्टॉक पे भी क्या हो जाएगा, नो फर्दर सेल, क्रिस्टलाइजेशन लग जाएगा सर, क्रिस्टलाइजेशन। नो सेल नाउ बिकॉज आप लिक्विडेशन पे आ गए। अब आगे का प्रोसीडियर सॉलिसिटर करेगा, ठीक है, जो बिजनेस को सॉलिसिट करेगा या जो बिजनेस को लिक्विडेशन करेगा, वैल्यूअर वगैरह वो लोग देखेगा किसका क्या वैल्यूएशन है, ठीक है, जो कंपनी लिक्विडेशन या कंपनी को क्लोजर में जो हेल्प जो लोग आएगा लीगल में, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वो लोग देखेगा। तो व्हेन दिस इज बोलो तो बिग बाजार है, तो सर এখন দেখছি যে মানে যে সব আগে কা স্টক ছিল তারা সেগুলো তো বিক্রি হচ্ছে এখন পর্যন্ত। ওহো क्या बोला है, क्या मैं बोला कि बिग बाजार ऐसे सिचुएशंस में जा रहा है, मैं ये मतलब डिक्लेयर तो नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, कभी-कभी बोल रहा है, ठीक है, कि कर देगा ऐसा कर रहा है, ठीक है, बोला क्या है, नहीं बोला जितना एसेट्स है सब सेल करके बिजनेस को क्लोज किया जाएगा,
जिसका जितना पावना है, पावना समझते हो बंगाली में क्या बोलते हैं हम लोग, पावना, पावनादार का पैसा वापस करो और बिजनेस को बंद करो। और पैसे वापस करोगे जो भी एसेट्स है उसको बेच के जो आएगा, समझे कि नहीं? बिजनेस कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ बोल के कुछ चार चांद थोड़ी ना लग जाएगा, लॉ में कुछ नहीं है, बेसिक नॉलेज है। अगर आप आम जिंदगी के साथ जुड़े हुए रहोगे लॉ में कुछ नहीं है, सीरियसली मैं आपको दिल से बोलता हूँ, दिमाग से भी बोल रहा हूँ। बहुत लोग लॉ से डरते हैं, क्यों डरते हैं? उनको लगता है कि लॉ में कुछ खास बात है। बस एक ही खास बात है, अगर आपका बचपन इंग्लिश में नहीं गुजारा है तो वही एक प्रॉब्लम है आपके लिए लॉ। और दूसरा बात, अगर आप वास्तव के साथ जुड़े हुए नहीं हो, वास्तव समझते हो, वास्तव सेंस, वास्तव नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सर इसका मतलब, सर आज की डेट में एडुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना बुकिश हो गए। बुकिश मतलब क्या है कि किसको कितना नंबर मिला बचपन से लेके बड़े हो गए, सर कितना क्लास पढ़ लिए, 15 क्लास 18 क्लास, हाँ 15 क्लास मतलब ग्रेजुएशन, 17 क्लास मतलब मास्टर्स, प्रोफेशनल ऐड हो जाए तो मैं छोड़ ही देता हूँ। लोग 18 क्लास पढ़ लेते हैं, PhD कर लेते हैं, प्रोफेशनल्स कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल ये है, प्रोफेशनल्स का बात फिर भी मैं साइड में रखता हूँ, बट एटलीस्ट मास्टर्स तक का जो पढ़ाई का सिस्टम है उसमें एक ही पैटर्न है, किसको कितना नंबर मिला, किसको क्या ग्रेड मिला, यही चक्कर है। प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कभी नहीं जोड़ पाते ये लोग, क्यों? बिकॉज सबको नंबर के बेसिस में नौकरी भी मिला है, और तभी तो प्रॉब्लम है। सरकारी नौकरी में नंबर इंपॉर्टेंट हो गया, किसका नंबर ज्यादा है उसको नौकरी मिलेगा। देखो क्या हालत है स्कूल का, देखो क्या हालत है कॉलेज का, देखो क्या हालत है गवर्नमेंट कंपनीज का। कुछ समझ में आया बात मेरा? क्योंकि आप नौकरी किसको दिए, एक दो अच्छा है उसको छोड़ देता हूँ, आप सिर्फ नंबर के बेसिस में नौकरी दिया। नंबर इज नॉट द क्राइटेरिया, मतलब नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑब्वियसली, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देखना चाहिए जो इंटरव्यू में डिसाइड होता है। जैसे आज के डेट में प्राइवेट कंपनी डिसाइड करते हैं, सर प्राइवेट कंपनी आपके नंबर के बेसिस में आपको नौकरी देता है क्या? नहीं सर, आप जाके देखो आपको पता चलेगा। नंबर इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, मार्क्स इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया, वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया। आज के डेट में जो भी अच्छे नौकरी होता है उसमें आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा जाएगा, तभी जाके आपको अच्छा नौकरी मिलेगा। वो दिन बदल गया है, लेकिन अभी भी पुराने सोच विचार के लोग अभी भी उसी कॉन्सेप्ट में चल रहा है। पुराना सोच विचार मतलब पुरान का जमाना नहीं कर रहा हूँ, पुराने जमाने में तो लोग प्रैक्टिकल होता था, इसीलिए तो आप देखोगे एक जमाने में क्लास 10 पास का क्या नॉलेज होता था, आज के जमाने में क्लास 10 पास का नॉलेज है ऐसा? कोई बुजुर्ग बूढ़े अगर मैट्रिक पास भी थे उस टाइम का तो क्या वैल्यूएशन? आज के डेट में 10 पास मतलब इलिटरेट के जैसा हालत है। हाँ सर गलत बोला क्या? आप ही बताओ क्या रे? एक जमाने में मैट्रिक पास मतलब क्या गजब बात है सर, क्या नॉलेज है। आज के डेट में मैट्रिक पास मतलब क्लास 10 पास मतलब इलिटरेसी सिखा, कुछ नहीं आता, अभी भी कुछ नहीं सिखा गया, क्यों? प्रैक्टिकल के साथ दूर दूर का नाता है। तो ये जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। बहुत लोग सोचते हैं थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, अरे क्या थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स? अब आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज मतलब थियोरिटिकल कैसे होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको ऐसा बोलता क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, प्लीज डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, आपने पूरा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ का ये एग्जाम्पल्स पढ़ के इसको रट लिया। अब रट लिया ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या है आपको समझना पड़ेगा ना। हेलो संपर्क बोल, कथाटा बोझा गया है ना? तो लॉ इज नॉट ट्रिकी, इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है? या आप हम लोग अपने नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसे देखते हैं कि अगर आपके पास आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया तो आप उनसे भी वही उसी तरह का उसका प्रॉपर्टी का पेपर पास में रखा, अगर नहीं दे पाया तो उसका प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यूएशन सेल करके अपना पैसा वापस रख लिया। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल के साथ जुड़ा हुआ बातें हैं। आप जितने जुड़े रहोगे, बस क्या है ना कुछ इंग्लिश टर्म्स आपकी जिंदगी में ऐड हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है? कुछ इंग्लिश टर्म्स आपकी जिंदगी में ऐड होगा, बस प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी रखिएगा,
और कुछ नहीं। सर आप तो अपने हिसाब से बोल देते हो बट सिचुएशंस तो हमें फेस करना पड़ता है, आपको क्या पता। ठीक है सर, एक दिन अगर आज जो मैं आपको बोला, एक दिन आप यही बात जरूर मानोगे सर। आज अगर पूरा नहीं दिल से मानते, एक ना एक दिन पूरा का पूरा बात दिल से मानोगे। ए फ्लोटिंग चार्ज रिमेंस डॉर्मेंट अंटिल इट बिकम्स फिक्स्ड और क्रिस्टलाइज। फ्लोटिंग चार्ज तब तक डॉर्मेंट रहता है, डॉर्मेंट मतलब एग्जैक्टली कोई काम में नहीं रहता, जब तक वो फिक्स्ड या क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता। एंड क्रिस्टलाइजेशन द सिक्योरिटी द रॉ मटेरियल स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा बिकम्स फिक्स्ड एंड इज अवेलेबल फॉर रियलाइजेशन सो दैट बोरोड मनी इज रिपेड। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज में ऑकर व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज आर वायलेटेड और द कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू। कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू, कंपनी और आगे नहीं चलेगा इट्स बिजनेस, और द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन और द क्रेडिटर एनफोर्स द सिक्योरिटी कवर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्जेस। ओके ओके सर, अभी सेक्शन 77 रजिस्टर में ड्यूटी क्या है आपका, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस एटसेट्रा। अब रजिस्ट्रेशन करो आपके प्रोडक्ट का, जो भी चार्जेस है, जो भी एसेट्स का चार्जेस है। सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज इज शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन द विद इन और आउटसाइड इंडिया, भारत के अंदर का एसेट्स हो या भारत के बाहर का एसेट्स हो, ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स आर एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग वेदर टैंजिबल और अदरवाइज and situated in or outside India to register the particulars of the charge. Thus, charge may be created within India or outside India. The subject matter of charge that is property or assets or any of the company's undertakings may be situated within India or outside India. बार बार बोला जा रहा है सर, कंपनी के assets इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। जो भी assets हैं charge में रजिस्ट्री करो, charge में रजिस्ट्री करो। Property or assets charged may be tangible assets such as land, building, it may be otherwise. It may be financial assets like shares, debentures, which may be pledged. It may also be an intangible assets such as patent, copyright or trademark, etc. Note, the word otherwise when used in a section would have effect of widening scope and operation on the projects. The charge is created by deposit of title deeds. Charge create kaise hota hai? टाइटल डीड डिपॉजिट करके। नॉर्मली बैंक एग्री फॉर दिस मोड ऑफ चार्ज इंस्टेड ऑफ प्रॉपर मॉर्गेज। बैंक ऐसे मैटर में ज्यादा एग्री होते हैं, टाइटल डीड जमा करो और चार्ज क्रिएट करो। इज ऑल्सो रजिस्ट्रेबल बाय द बोरोइंग कंपनी। सर सेक्शन 78 प्रोवाइड दैट रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर इन केस द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज फेल्स। अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट करना फेल कर दिया तो रजिस्टर द चार्ज विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज। The person in whose favor the charges is created can get the charge registered. Company failure करेगा, ठीक है वो अलग बात, लेकिन जिसके against में जिसको basically charge create किया गया है वो भी कर सकता है, charge registered वो भी कर सकता है। Registration by purchaser. Section 79 covers another case of registration of charge where a company purchased some property in whose case a charge was already registered. In this case also the company purchasing the property shall get charge registered in its name. अगर company किसी से property ले रहा है तो company as a purchaser भी property को registered में दर्ज करेगा in place of seller। जो seller को करना चाहिए था वो company को कर लेना चाहिए। How to register charge? The particular of charge in the prescribed form together with a copy of instrument if any creating the charge duly signed by the company and the charge holder shall be filed the register within 30 days of the creation of charge. Charge create karne ke 30 din ke andar aur ek prescribed fee jo ROC ya MCA charge karta hai. Verifications of instrument of charge. A copy of every instrument creating any charge and required to be filed with the register shall be verified. Where the instrument or deed related solely to the property situated outside India, the copy shall be verified by a certificate issued either under the seal, if any, of the company, under the hand of any director or company secretary of the company, or an authorized officer of the charge holder. ठीक है, CS का बहुत power है sir. Under the hand of some person other than the company who is interested in the mortgage or charge. ठीक है, where the instrument or deed related to the property situated in India, whether or wholly or partly. The copy shall be verified by a certificate issued under the hand or any of the director
और CS और the company और an authorized officer of the charge holder, ठीक है, इनके साइन के ऊपर डिपेंड करके चार्ज वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो डायरेक्टर, CS या फिर जो पर्सन जो चार्ज होल्डर मतलब चार्ज में इंटरेस्टेड है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज ऑफ द चार्ज, उनका साइन रहना जरूरी है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाइड बाय अ सर्टिफिकेट इशूड आइदर अंडर द सील या फिर डायरेक्टर, CS और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डेटा रिलेटेड टू सिचुएटेड, अच्छा इंडिया में बोल दिया मैंने, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, द ओरिजिनल पीरियड विद इन विच ए चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, द कंपनी सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 2/11/2018 दैट इज 2nd of November 2018 हैज अमेंडेड द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट इज अंडर, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिमिटेशन दिया है 2/11/2018 के बाद, सर, रजिस्टर्ड चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 डेज रजिस्टर विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ पेमेंट ऑन एडिशनल फीस, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 300 डेज रजिस्टर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम 2/11/2018 विद एडिशनल फीस, डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज, ओके सर, समझ में आया, डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दिया। अगर 2/11/2018 के पहले का चार्ज है 30 दिन के अंदर कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो 300 दिन के अंदर कीजिए एक्स्ट्रा फीस देके, 300 दिन के अंदर नहीं किए तो फिर एक्स्ट्रा फीस देके, अलग डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज के साथ ऊपर डिपेंड करके चार्ज को क्रिएट करो। समझ में आया सर? हेलो, प्लीज बोलो सर एक बार, कनेक्टेड हो कि नहीं? हाँ सर। ओके सर, अगर 2nd November 2018 के बाद का चार्ज है तो सर विद इन 30 डेज क्रिएट करो, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 डेज रजिस्टर्ड इन नेक्स्ट 30 डेज दैट इज 2/11/2018 के बाद 60 दिन विद इन 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन से 60 दिन, नॉट 2/11 से, 2/11/2018 के बाद का केस बता रहा हूँ, चार्ज क्रिएशन के 60 दिन के अंदर एडिशनल फीस देके कर लो, इफ नॉट रजिस्टर्ड इन नेक्स्ट 30 डेज रजिस्टर विद इन ए फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज एंड एड वैल्यूम फीस, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा फीस देके रजिस्टर करो सर, अगर कुछ भी नहीं करेगा तो फाइन लगेगा, डोंट वरी, बड़ा बड़ा फाइन लगेगा, तो ये मैंने आपको टाइम लिमिट के बारे में बता दिया, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देगा आपको, डोंट वरी, सेक्शन 77 नॉट अप्लाई टू सर्टेन चार्जेस, जैसे एप्लीकेशन ऑफ 77 नॉट बी मेड इन सर्टेन चार्जेस विच आर प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, जो आरबीआई बोलेगा उस पर चार्जेस क्रिएट नहीं करना है। अब बात है सर, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, अगर रजिस्टर तो नहीं करेगा तो, ठीक है, नो चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय अंडर द कंपनी एक्ट 2013, लिक्विडेटर मतलब जो कंपनी लिक्विडेशन में काम करते हैं, और द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इज गिवन बाय द रजिस्टर, this means that the charge will become void against the liquidator and other creditor of the company, that is to say at the time of winding up the creditor whose charge has not been registered will be reduced to the level of an unsecured creditor, neither the liquidator nor any other creditor will give legal recognition to charge that is not registered, agar aapka charge registered nahi hai from any angle to fir aap unsecured creditor ban jaoge jab company liquidation ke situations mein aayega, आप एसेट्स में अपना अधिकार नहीं दिखा पाओगे, बट दिस शैल नॉट प्रिजुडिस एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय अ चार्ज, दिस मींस दैट द डेब्ट इज वैलिड एंड मे बी इन्फोर्स अगेंस्ट द कंपनी थ्रू द कोर्ट बाय फाइलिंग अ सूट बट द सिक्योरिटी इज लॉस्ट, यस आप कोर्ट में जा सकते हो बट जो सिक्योरिटी आपको मिल रहा था वो सिक्योरिटी तो आपसे गया, बात समझ में आया सर, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर से आप अनसिक्योर्ड बन गए बट कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला है, कौन है बात, क्या रे समझ में आया? हाँ सर।
It may be noted that failure to register charge shall not be absolve a company from its liability in respect of any offence under this chapter. Another important consequence of non-registration is that charge holder loses priority. Any subsequent registration of charge, that is even if it is registered within the extended period instead of original 30 days, shall not prejudice any right accord in respect of any property before a charge is actually registered. Examples like that. Bank A has advanced rupees 1 crore to Akash Limited against the security of the company's land and building at Mulund. Mulund, Bombay mein hai sir. Mulund in Mumbai. Theek hai? Mumbai mein hai Mulund. Theek hai? Local chalta hai. Bank A has advanced rupees 1 crore to Akash Limited against the security of the company's land and building at Mulund. The charge was created by deposit of title deeds of on 1st June 2019. Theek hai? The company did not register the charge within 30 days. Subsequently, the charge was registered on 13th August 2019. 1st June se 13th August ho gaya, 30 days cross kar gaya. Payment of ad valorem fees and providing sufficient cause. Theek hai? Cause dikhaya aur deri karke late fees ke saath jama kiya. In the meantime, iske beech mein kya hua? Bank B has advanced rupees 2 crore to Akash against the security of the same property on 20th June. संपद तेरा प्रॉब्लम आ गया, पूछ रहा था ना बीच में कोई आ गया तो उसका क्या होगा. ठीक है, तुमने 1st जून 2019 को क्या किया था, चार्ज क्रिएट किया था, चार्ज रजिस्टर किया तुमने 13 अगस्त को एक्स्ट्रा फीस देके. इन द मीन टाइम आकाश लिमिटेड ने बैंक बी से 2 करोड़ का लोन लिया, सेम प्रॉपर्टी बट 20th जून को 19 डेज बाद. This charge was duly registered on 27th June. अब ये चार्ज कब रजिस्टर्ड हुआ? 13th August से पहले, 27 June को. Subsequently, Akash Limited goes into liquidation. अब क्या हुआ इसके बाद? Akash Limited बंद के situations में आ गया, liquidation में आएगा, and the property realized only rupees 2 crore. ठीक है? Property realizes only rupees 2 crore. ठीक है? अब सवाल ये उठता है, कौन सा बैंक पहले जाएगा? प्रूव कर सकता है कि उसका रजिस्टर है 27 जून को. समझ में आ रहा है? दो नंबरी कहाँ हुआ? तो फिर यहाँ पर बैंक ए को भी तो ख्याल रखना चाहिए कि रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बैंक बी विल रिसीव इट्स लोन बैक फुल्ली, बट बैंक ए विल नॉट रियलाइज एनीथिंग because the subsequent registration of the charge in favor of bank A will not prejudice the right of bank B, which obtained the right before the charge in favor of bank A was actually registered. Thus, bank B gets priority over bank A, even though its charge was created later. তাহলে এক দুদিন লেট তো অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে. ঠিক আছে, এই বাত আছে. অ্যাপ্লিকেশনস ফর রেজিস্ট্রেশন অফ চার্জ বাই চার্জ হোল্ডার, চার্জ হোল্ডার কো রেজিস্ট্রেশন করনা চাহিয়ে সেকশন 78 কে তহত. মানে আপকো অলরেডি বতায়া. ঠিক আছে, দেখো ইয়াহ পর প্রসেস দিয়া হুয়া হ্যায়. চার্জ হোল্ডার মে অ্যাপ্লাই টু দি রেজিস্টার. ঠিক আছে, রেজিস্টার শ্যাল গিভ এ নোটিস টু দি কম্পানি ইফ অবজেকশন ইজ রিসিভড. ঠিক আছে, इफ कंपनी फेल्स टू डू सो विद इन 30 डेज. ठीक है, अगर कंपनी 30 दिन के अंदर नहीं करता है तो चार्ज होल्डर में अप्लाई टू रजिस्टर. कंपनी मस्ट रजिस्टर चार्ज. रजिस्टर शैल गिव ए नोटिस टू द कंपनी इफ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड. रजिस्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कंपनी इफ ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड. इफ कंपनी रजिस्टर बाय इटसेल्फ फॉर सफिशिएंट कॉज व्हाई सच चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड इन इज प्रोवाइडेड, रजिस्टर शैल नॉट अलाउ रजिस्ट्रेशंस. ठीक है, तो सफिशिएंट कॉज अगर नहीं दिखा पाएगा तो रजिस्टर रजिस्ट्रेशन लेगा ही नहीं. ठीक है, यही बोला.
परचेजर भी रजिस्टर कर सकता है, इसका प्रोसेस यहाँ पर दे दी। सेक्शन 79 एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। टू सिचुएशंस कॉन्टेम्पलेटेड एक्विजिशंस बाय ए कंपनी बाय एनी प्रॉपर्टी दैट इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अ चार्ज एंड मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस और मॉडिफिकेशन इन द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, अगर कुछ मॉडिफाई होता है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज सेक्शन 82, ठीक है कि भाई हम सेटिस्फाइड हैं चार्ज के साथ जो भी टाइम के अंदर कर लेना चाहिए था, ठीक है। पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज, रजिस्टर को एंट्री करना पड़ता है सेक्शन 83 के तहत। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीव्ड ऑफ मैनेजर, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेशन, मैं आपको एक बार पनिशमेंट बता देता हूँ और बाकी जो सेक्शंस है आप लोग घर पे एक बार गो थ्रू कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी पार्ट भी बता दूंगा, ठीक है। पनिशमेंट क्या है आप एक बार जान लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट 2013, इफ एनी कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुई इज डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। विद द इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन 2 सेक्शन 447 जो फ्रॉडुलेंट चार्जेस आता है रिलेटिंग टू पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड ऑल्सो बिकम्स एप्लीकेबल इन सर्टन केसेस, और फ्रॉड का चार्ज भयंकर हो सकता है। एनी फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, knowingly suppress any material information which is required to be registered under section 77, he shall be liable for action under section 447. अगर जरूरत इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं करते हो तो फ्रॉड का चार्ज लगेगा और आपको 447 लगा देगा जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर कुछ रेक्टिफिकेशन का जरूरत होगा तो सेक्शन 87 सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से उसको रेक्टिफाई करेगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पूरा का पूरा बता के रखा है। तो सर एक बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सारा का सारा सेक्शंस मस्ट गो थ्रू एक बार, ठीक है। जो पॉइंट मैंने डिटेल्स में नहीं बोला आप उस पॉइंट को भी घर पे डिसाइड एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप पे पूछे, ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है सर। और एक इम्पॉर्टेंट बात सर, चैप्टर के एंड पे मैं नोट्स आज ही शेयर कर लूंगा आपसे या कल सुबह तक तो कर ही लूंगा। चैप्टर के एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं तो आपको हेल्प करेगा, जैसे हम लोग काफ़ी सारा एग्जांपल्स करते हुए आ रहे हैं तो आप घर पे एक बार क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, खुद से पढ़ाई करें, लिख लिख के लिखें, ठीक है, तो आपको जो भी डाउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कुछ क्लियर करता है, ठीक है। तो 7-8 क्वेश्चंस हैं सर, मैं इतना रिक्वेस्ट आपको करूँगा कि आप ज़रूर क्वेश्चंस करें, ठीक है सर। अभिषेक, नील, शंपद, स्नेहेश बोलो सर। हाँ सर। यस सर। ओके सर, ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, नोट शेयर करता हूँ, आप चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस को क्लियर करके पढ़ लो, ठीक है। ओके, चलो टाटा सर। एक जिनिस बोल।